प्रणाम आचार्य जी, समझ आएगा। अज्ञात जगह पे जाने का बहुत डर लगता है। यहाँ आने पे भी वही हुआ था। अर्जुन जी की सहायता से यहाँ पे मैं तो नहीं आ पाता। माउंट आबू आ जाता है। अज्ञात का डर ज्ञात के अज्ञान से पैदा होता है। जब ज्ञात में बड़ी आस्था होती है तो आदमी फिर अज्ञात की उपेक्षा भी कर सकता है, उससे डरना गवारा कर सकता है। ज्ञात से क्या मिल गया आपको आज तक? वो बगल का कमरा अज्ञात है, आप इस कमरे में हैं। अज्ञात में प्रवेश से आप तब झिझके ना जब आपको ज्ञात से बड़ा आनंद मिल रहा हो। ज्ञात से क्या मिल गया आज तक? जिसको दिखाई देगा कि ज्ञात में कोई शांति नहीं, वो कहेगा जो भी होगा वहां पर देखा जाएगा, चलते हैं। यहां रहकर भी क्या मिल रहा है, इस कमरे में क्या मिल रहा है जहां सब ज्ञात है? जो ज्ञात भी है वो क्या आपको धोखा नहीं देता? अच्छा बताइएगा, आपको ज्यादा धोखे जीवन में अपरिचितों से मिले हैं या परिचितों से? ठीक। आपको ज्यादा दुख जीवन में अज्ञात लोगों से मिला है या ज्ञात लोगों से? डर लगता है अज्ञात से। डर लगना भी चाहिए तो किससे? ज्ञात से। उससे डरो भाई जिसको तुम जानते हो। जिसको तुम जानते नहीं वो कहाँ आता है हानि करने? क्या आता है? लोग घरों में ताला लगाते हैं बाहर कि बाहर से चोर अंदर आ जाएगा। और थोड़ा समझ के बताना, घरों में डाका कौन डालता है, बाहर वाला या अंदर वाला? बोलो। और ताला ऐसे लगाते हो जैसे बाहर से कोई आ रहा है लूटने के लिए, अज्ञात। चोर बैठा है अंदर, ताला दे रहे हो बाहर। कितने लोग बाहर वालों के मारने से मरते हैं और कितने लोग अपने ही शरीर की बीमारियों से मरते हैं? तो अज्ञात लोग मारने आते हैं या तुम्हारा शरीर ही तुम्हें मार देता है? इसी में मौत छुपी हुई है। क्या ज्यादा संभावना है? कोई आएगा अज्ञात अपरिचित तो तुम्हें गोली मार देगा, या ये कि किसी दिन पता चलेगा कि इसी देह में कैंसर छुपा हुआ था, सामने आ गया है? क्या ज्यादा संभावना है बोलो? अज्ञात तुम्हारा दुश्मन है या ज्ञात? शरीर तो तुम्हारा ही है, खूब जानते हो। ज्ञात को लेकर के ये क्या आस्था है, ये क्या आग्रह है? अज्ञात का डर वास्तव में ज्ञात के छूट जाने का, ज्ञात के मिट जाने का डर है। ज्ञात तुम्हें लगता है कि हाथ में है, मुट्ठी में है, मिला हुआ है। अज्ञात
को लेके तो कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका तो कुछ पता ही नहीं। तो अज्ञात का डर फिर वास्तव में क्या हुआ? वो अज्ञात का डर नहीं हुआ, वो ज्ञात के छूट जाने का डर हुआ ना। अब अगर घबराओ तो उस चीज के छूटने से घबराओ जिससे कुछ सुख शांति तृप्ति आनंद हो। ज्ञात में क्या सुख शांति तृप्ति आनंद है? तो उसके छूटने से घबरा क्यों रहे हो भाई? पर घबरा रहे हो इससे साबित ही यही होता है कि ज्ञात को लेके बड़ा अज्ञान है। जिसको ज्ञात कह रहे हो उसको ठीक से जानते नहीं, वो नाम का ज्ञात है, वास्तव में ज्ञात नहीं है। उसको वास्तव में जान लिया तो अज्ञात प्यारा लगने लगेगा। अज्ञात के डर से मुक्त होना हो तो ज्ञात वास्तव में ज्ञात हो जाए। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ज्ञान के भीतर का है उसको वास्तव में जानो। हमारा ज्ञान झूठा है, हम जानते नहीं और कह देते हैं ज्ञान है, ज्ञात है। अज्ञात तो बहुत दूर का है, जो निकट का है उसको जान लो। जो निकट का है उसको जानोगे तो ऐसी वितृष्णा उठेगी कि दरवाजा तुरंत खोलोगे और दूसरे कमरे में प्रवेश के लिए तैयार हो जाओगे। कहोगे वहां क्या है मैं जानना नहीं चाहता, जो भी होगा इससे बेहतर होगा। फिर कुछ नया आता है जीवन में। हमें नुकसान अज्ञात अपरिचित नहीं पहुंचाते, हमें सबसे ज्यादा नुकसान हम स्वयं पहुंचाते हैं। जो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा रहा है उसकी पहचान करो ना, ज्ञात को जानो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ तुम्हें ज्ञात है और वास्तव में ज्ञात नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञाता झूठा है। इस झूठे ज्ञाता को भी जानो। जिसका ज्ञान झूठा वो ज्ञानी झूठा। जानने वाला कौन बैठा है भीतर जो बात बात में धोखा खाता है? और उसने जो कुछ जान रखा है उसमें कितना दम है इसकी जरा तहकीकात करिए। उसके बाद आप स्वयं नए के प्रति उत्सुक हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि कहीं और ले चलो। हम जिस दायरे में बंद हैं वो हमारे काम का नहीं है। उसमें दुख मिल रहा है हमें और धोखा हो रहा है, कहीं और ले चलो। इसी को कहते हैं अहंकार से आगे जाना। अहंकार ही दायरा है जिसमें हम बंद हैं, उसी को हम बोलते हैं ज्ञात का दायरा। अध्यात्म उसी दायरे का उल्लंघन करने की बात है। पूरी बात फिर ले देता हूं। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम दूर वालों को नहीं जानते, हमारी समस्या ये है कि वो जो निकट हैं और जिनको लेकर के हमारा दावा है कि हम उन्हें जानते हैं, हम वास्तव में उन्हें भी नहीं जानते। और सबसे कम जानते हैं हम उसे जो सबसे निकट है, वो कौन है? हम खुद। तो दूर वाले समस्या नहीं है,
दूर वाले बहुत कम नुकसान कर पाते हैं, असली समस्या है वो निकट वाले, जिनको हम जानते नहीं फिर भी कहते रहते हैं कि ज्ञात है, वो ज्ञात नहीं है। उन्हें जानो, स्वयं को भी जानो। जैसे जीवन बीत रहा है वैसे ही जानना होता रहेगा, कोई और तरीका है ही नहीं स्वयं को जानने का जीवन को देखने के अलावा। तो क्या गति होगी जानने की? वही गति जो जीवन की गति है। जैसे जैसे जीवन बीत रहा है वैसे वैसे वो प्रतिपल अवसर देता जा रहा है आत्मज्ञान का। हर घटना, हर संबंध, हर क्षण एक अवसर होता है स्वयं को जानने का। अभी कुछ घटना घटी, उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा, मैंने क्या कर्म किया, अगर ये गौर से देख लिया तो स्वयं को जाना। अभी कुछ खबर आई, अभी कहीं दर्द उठा, अभी कुछ लाभ हुआ, अभी कुछ नुकसान हुआ, इन सब का मन पर असर क्या पड़ा? अभी कुछ निर्णय किया मैंने, किस भाव से करा, क्या बनकर करा, किस पहचान से करा, यही सब देखते चलिए, इसी से अपने बारे में पता चलेगा। प्रणाम आचार्य जी, आपकी अंग्रेजी में एक उक्ति है, द बिगनिंग ऑफ द एक्शन एंड द एंडिंग ऑफ द एक्शन इज द वन, द सोर्स ऑफ द एक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्शन आर वन। मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ अंग्रेजी में। दिस लॉ कैन नॉट बी वायोलेटेड, इफ यू एक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फेयर इट इज गारंटीड दैट योर एक्शंस विल रिजल्ट इन मोर फेयर, इफ यू एक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनकम्प्लीटनेस इट इज सर्टन दैट योर एक्शंस विल लीड टू इवन मोर इनकम्प्लीटनेस। तो उस संदर्भ में देखूं, जैसे हम शिविर आते हैं और तो प्रॉबेबली फेयर के ही से आते हैं, क्योंकि कुछ मतलब उलझाव है हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं सुलझ जाए। तो ये फिर किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, क्योंकि शुरुआत तो हमारी सत्संग में जाना या ध्यान में जाना ये अपवाद होते हैं, एकमात्र अपवाद। सब डर बुरा है सिवाय एक के, वो अपवाद होता है। जो तुमने अभी उक्ति पढ़ी उसमें अपवाद का जिक्र नहीं है। अपूर्णता दोनों काम कर सकती है। अपूर्णता अगर अपने आप को बचाने की कोशिश करे तो अपने आप को बचा ले जाएगी, बढ़ा ले जाएगी। और अपूर्णता जाने की वो अपूर्ण है, जान यही रही है वो अपूर्ण है, लेकिन वो अपनी अपने आप से तंग आ चुकी है, वो अपने आप मिटाना चाहे तो पूर्णता की ओर बढ़ जाएगी। वो अपवाद होता है। अध्यात्म उसी अपवाद की तरफ जीव को प्रेरित करता है। वो कहता है कि डरे तो हो ही, पहले मानो कि डरे हुए हो। और फिर अब वो काम करो जो तुम्हें डर से मुक्ति देगा, उस दिशा जाओ जो तुम्हें डर से मुक्ति देगी। तो इस कर्म की शुरुआत कहां से हुई? डर से ही तो हो रही है। डर ना होता तो शुरुआत भी ना होती, लेकिन ये शुरुआत कुछ ऐसी है जो डर को मिटा देगी। ये डर को बढ़ाएगी नहीं, ये डर को मिटा देगी। इसीलिए संतों ने
बहुत बार डर को आवश्यक बताया है, बार 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 कहा डर आवश्यक भी है। कौन सा डर? सब डर नहीं, तुम पड़ोसी से डरो वो डर आवश्यक नहीं है। जीवन के व्यर्थ जाने से डरो वो डर आवश्यक है। तो वो अपवाद होता है। तुम बीमार हो, तुम्हें कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन लग गया है, तुम दोनों काम कर सकते हो ना। चाहो तो अपना संक्रमण खूब फैलाओ लोगों में, बीमार होते हुए तुम दो काम कर सकते हो। पहला ये कि तुम अपनी बीमारी को मान्यता ही मत दो, तुम मानो ही मत कि तुम बीमार हो और यूं घूमो फिरो जैसे कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। क्या करोगे तुम? दुनिया भर में अपनी बीमारी फैलाओगे और तुम्हारी अपनी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जाएगी, और वही बीमारी तुमसे ये काम भी करा सकती है कि तुम्हें चिकित्सक के पास पहुंचा दे। बीमार होते हुए यही एकमात्र काम है जो सम्यक और शुभ और ठीक है। बीमार होते हुए तुम कोई भी और काम करोगे तो गलत है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कभी कि अगर बीमार हो तो कुछ मत करो, और कभी मैं कहूंगा अगर बीमार हो तो चिकित्सक के पास जाओ। ये दोनों बातें एक ही हैं। बीमार हो तो कुछ भी मत करो। कुछ भी न करने का एकमात्र अपवाद क्या है? चिकित्सक के पास जाना। अगर तुम 1000 काम कर सकते हो बीमार होते हुए तो उसमें से 999 गलत हैं, एक ही सही है। तुरंत चिकित्सक के पास जाओ, बाकी सब काम धंधे छोड़ो। चूंकि 999 काम गलत हैं तो उसी बात को ऐसे भी कह दिया जाता है कि बीमार होते हुए तुम जो कुछ भी करो सब गलत है, सब गलत है। अपूर्णता के केंद्र से जो कुछ भी करो वो अपूर्णता को ही बढ़ाएगा, गलत है। भय के केंद्र से जो कुछ भी करो वो भय को ही बढ़ाएगा, गलत है। बस एक काम करने लायक है, वो ये है कि अपूर्ण होते हुए वहां पहुंच जाओ जहां अपूर्णता ही मिट जाए। भयग्रस्त होते हुए उधर पहुंच जाओ जहां जो भयभीत है वही मिट जाए। सहज नहीं होता वो। सहज वृत्ति तो यही होती है कि डरे हो तो अपनी रक्षा की कोशिश करो, और रक्षा की कोशिश भय को और बढ़ा देती है। हम जिसको सहज कहते हैं वो वास्तव में सहज होता ही नहीं, वो आदत होता है हमारी, वो सरलता होती है एक तरह की, सहजता नहीं होती। तो संत फिर दोनों बात बोलेंगे, एक तरफ बोलेंगे किसी से डरना नहीं है, और दूसरी तरफ बोलेंगे बंदे मालिक से डर। तुम कहोगे ये कैसी बात? अभी पिछले अध्याय में कह रहे थे डरना नहीं, डर से कोई बुरी बात नहीं, रण में जाऊं तो जूझ मरूं, डरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तरफ तो ऐसा बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं डर, मालिक से डर। ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है, एक ही बात है।